नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। गोल्डन थाउजेंड डेज, मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के 1000 दिन पूरे हुए। तीसरे कार्यकाल में 1000 दिन पूरे किए हैं आज। 17 दिसंबर 2018 को सीएम पद की शपथ ली थी। विजनरी अप्रोच व क्रिएटिव सोच के साथ उन्होंने काम किया। कोरोना काल के प्रबंधन ने जीता जनता का दिल और इन 1000 दिन में 400 से अधिक वीसी की है गहलोत ने। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर एक मुद्दे पर समीक्षा की, लोगों के साथ भी जुड़े, अधिकारियों के साथ जुड़े। यानी ये मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के 1000 दिन पूरे हुए हैं आज। तीसरे कार्यकाल में 1000 दिन पूरे किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 17 दिसंबर 2018 को सीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी। विजनरी अप्रोच और क्रिएटिव सोच के साथ ही उन्होंने काम किया। कोरोना काल के प्रबंधन ने जनता का दिल जीता और इन 1000 दिन में 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गहलोत। जिला प्रमुख चुनाव क्रॉस वोटिंग प्रकरण डोटासरा ने भेजी थी प्रभारी अजय माकन को रिपोर्ट। रिपोर्ट में चाकसू विधायक के बारे में जानकारी भेजी गई थी। आलाकमान को भेजी रिपोर्ट में सोलंकी को जिम्मेदार बताया गया। अब चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वेद प्रकाश सोलंकी रखना चाहते हैं अपना पक्ष, हालांकि अभी तक किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। कल दिल्ली में कई नेताओं से वेद प्रकाश सोलंकी मिल सकते हैं, वो मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। ये पूरा प्रकरण जिला प्रमुख चुनाव क्रॉस वोटिंग का है। डोटासरा ने इसे लेकर प्रभारी अजय माकन को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में चाकसू विधायक के बारे में जानकारी भेजी गई। आलाकमान को भेजी रिपोर्ट में वेद प्रकाश सोलंकी को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। अब चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी दिल्ली पहुंचे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी अपना पक्ष रखना चाहते हैं आलाकमान के सामने, हालांकि अभी तक किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। कल दिल्ली में कई नेताओं से मिल सकते हैं सोलंकी। बंगाल के महादंगल में शेखावटी, ममता बनर्जी को टक्कर देंगी झुंझुनू की बहू प्रियंका टिबरेवाल। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे की बहू है प्रियंका। प्रवासी टिबरेवाल परिवार है मंडरेला का रहने वाला। प्रियंका के पति आदित्य टिबरेवाल सीए हैं। भवानीपुर के उपचुनाव में भाजपा ने मैदान में उतारा है। वही पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी को अब ये टक्कर देंगे। पहले भी इंटाली विधानसभा सीट से प्रियंका चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उस वक्त प्रियंका पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार बीजेपी नेता के रूप में उनकी पहचान है और अब ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने वाली है प्रियंका। बंगाल के महादंगल में शेखावाटी नजर आएगा, जहां ममता बनर्जी को टक्कर देंगी झुंझुनू की बहू प्रियंका टिबरेवाल। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे की बहू है प्रियंका। प्रवासी टिबरेवाल परिवार मंडरेला का ही रहने वाला है। प्रियंका के पति आदित्य टिबरेवाल सीए हैं। भवानीपुर के उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। वही पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी को वो कड़ी टक्कर देंगी। पहले भी इंटाली विधानसभा सीट से प्रियंका चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी प्रियंका। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार बीजेपी नेता के रूप में उनकी पहचान है। प्रदेश में एक और खेल संघ की एंट्री, स्मैश रैकेट खेल की जमीन यहां पर तैयार हुई है। हीरानंद कटारिया फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी व प्रशासक रहे हैं हीरानंद। प्रदेश में वुशु को भी स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका रही है। अब स्मैश रैकेट खेल संघ को मान्यता की तैयारी यहां पर दी जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। प्रदेश में एक और खेल संघ की एंट्री है। स्मैश रैकेट खेल की जमीन अब तैयार हुई है। हीरानंद कटारिया फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी व प्रशासक रहे हैं हीरानंद। प्रदेश में वुशु को भी स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका रही है। अब स्मैश रैकेट खेल संघ को भी मान्यता की तैयारी है। 10 साल से सिर्फ फाइल में खेल विश्वविद्यालय। वर्ष 2011-12 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय स्थापना की। यहां पर घोषणा हुई थी पहले पीपीपी मॉडल पर, फिर सरकार के स्तर पर चलाने का फैसला हुआ। जुलाई 2013 में एसके सिन्हा को प्रथम कुलपति बनाया था, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया। फिर एलएस रणावत को बनाया गया इस कागजी विश्वविद्यालय का वीसी। रणावत ने 21 महीने तक वीसी के तौर पर तनख्वाह भी दी, लेकिन एसएमएस स्टेडियम के एक कमरे में ही रणावत बैठे रहे। भाजपा सरकार ने खेल विश्वविद्यालय की जगह राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाने का फैसला किया, लेकिन 5 साल में इसको लेकर भी कोई काम नहीं हुआ और अब सरकार
फिर हो चुके हैं ढाई साल, सरकार के ढाई साल पूरे हो चुके हैं। दुरासर गांव में 50.58 हेक्टेयर जमीन का आवंटन भी हुआ, लेकिन अभी भी खेल विश्वविद्यालय फाइलों में ही सिमटा हुआ है। लगातार इंतजार है कि जमीनी स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनकर यहां पर तैयार हो, जैसा कि बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे। 10 साल से सिर्फ फाइल में ही खेल विश्वविद्यालय नजर आता है। 2011-12 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे लेकर घोषणा की थी और झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा हुई थी। उस वक्त पहले पीपीपी मॉडल पर और फिर सरकार के स्तर पर इसे चलाने का फैसला लिया गया। जुलाई 2013 में एसके सिन्हा को प्रथम कुलपति बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण ही नहीं किया। फिर LS रणावत को बनाया गया इस कागजी विश्वविद्यालय का VC। रणावत ने 21 महीने तक VC के तौर पर तनख्वाह ली, लेकिन SMS स्टेडियम के एक कमरे में ही बैठे रहे रणावत। इंतजार यही किया जा रहा है कि फाइलों में तक न सिमटा रहे विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय जमीनी स्तर पर भी नजर आए। सोशल मीडिया पर PCC चीफ डोटासरा का वीडियो वायरल। फोन पर किसी अधिकारी से बातचीत का ये वीडियो है। विवाह समारोह में छूट के लिए डोटासरा परिचित के लिए पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बड़े बड़े जन्मदिन मन रहे हैं, भीड़ एकत्रित हो रही है, चुनाव भी हो रहे हैं, फिर इन शादी वालों को क्यों मारे। अलबत्ता पिछले दिनों पायलट का जन्मदिन भी मनाया गया था। फोन पर अधिकारी को कह रहे हैं PCC चीफ डोटासरा, जब आज छूट मिलेगी तभी 2 महीने बाद की शादी के लिए लोग बुकिंग कर पाएंगे। फोन पर बातचीत करते हुए ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। किसी अधिकारी से वो बातचीत कर रहे थे, विवाह समारोह में छूट के लिए ही परिचित के लिए पैरवी करते नजर आ रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा। वो कह रहे थे फोन पर, बड़े बड़े जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, भीड़ एकत्रित हो रही है, चुनाव भी हो रहे हैं, फिर इन शादी वालों को आखिर क्यों मारे। अलबत्ता पिछले दिनों ही सचिन पायलट का भी जन्मदिन मनाया गया था। फोन पर अधिकारी को PCC चीफ डोटासरा कह रहे थे, जब आज छूट मिलेगी तभी 2 महीने बाद की शादी के लिए लोग बुकिंग कर पाएंगे। इस सरदा बांध से पानी लाने के प्रयास में पहला कदम, 97,32,000 में तैयार होगी DPR। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बिड जारी की गई है। 2,547 गांव और 11 कस्बों के लिए पानी उपलब्ध होगा। जयपुर जिले के 1,429 गांव और 7 कस्बों को लाभ मिलेगा। अलवर जिले के 1,118 गांव और 4 कस्बों को भी इससे फायदा होगा। तो कुल इस सरदा बांध से पानी लाने के प्रयास में ये पहला कदम है, जहां 97,32,000 में ये DPR तैयार होगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ये बिड जारी की जाएगी। 2,547 गांव और 11 कस्बों के लिए पानी उपलब्ध होगा। जयपुर जिले के 1,429 गांव और 7 कस्बों को लाभ मिलेगा। अलवर जिले के 1,118 गांव और 4 कस्बों को भी इससे फायदा होगा। राज्य तैराकी प्रतियोगिता रद्द की गई है। सरकार की नई गाइडलाइन के कारण ये फैसला लिया गया। राज्य संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने इसे लेकर जानकारी दी। सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर प्रतियोगिताएं निरस्त की गई हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल बेसिस पर ही किया जाएगा, तो ये ट्रायल बेसिस पर चयन किया जाएगा, लेकिन राज्य तैराकी प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है। सरकार की नई गाइडलाइन के कारण ही ये फैसला लिया गया। राज्य संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने ये जानकारी दी। सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर प्रतियोगिताएं यहां पर निरस्त कर दी गई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल बेसिस पर किया जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आएंगे जयपुर। 13 सितंबर को सुबह 8:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जयपुर आएंगे। 13 सितंबर को विशेष विमान से जयपुर आएंगे। सुबह 11:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विधानसभा के सेमिनार में शामिल होंगे दोनों नेता। तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से तय है। 13 सितंबर को ही सुबह 8:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से वो जयपुर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जयपुर आएंगे। 13 सितंबर को विशेष विमान से दोनों जयपुर पहुंचेंगे। सुबह 11:15 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट पर। विधानसभा के सेमिनार में दोनों नेता शामिल होंगे। हीरालाल सैनी अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण। हीरालाल सैनी को SOG ने पेश किया आज जज के सामने। पॉक्सो कोर्ट का अवकाश होने पर जज के निवास पर उन्हें पेश किया गया। जज रेखा शर्मा के निवास पर उन्हें पेश किया गया। जज ने हीरालाल सैनी को 17 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। SOG पूरे मामले को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है। लगातार जांच भी की जाएगी इस मामले को लेकर। लेकिन हीरालाल सैनी अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण में अब हीरालाल सैनी को SOG ने जज के सामने पेश किया। पॉक्सो कोर्ट का अवकाश होने पर ही जज के निवास पर उसे पेश किया गया। जज रेखा शर्मा के निवास पर उन्हें पेश किया गया। जज ने हीरालाल सैनी को 17 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। SOG पूरे मामले को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है। भारतीय ओलंपिक संघ में घमासान। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा व सचिव राजीव मेहता आमने सामने हैं।
9 अक्टूबर की कार्यकारिणी मीटिंग में 22 एजेंडे हैं। अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन का भी एजेंडा इसमें शामिल है। दरअसल दिसंबर में होने हैं आईओए के चुनाव और इन चुनाव से पहले आईओए में खेमाबंदी शुरू हुई है। अब 9 अक्टूबर की मीटिंग पर है सभी की निगाह और इसके बाद ही साफ हो पाएगी चुनाव की तस्वीर। तो सभी की नजरें 9 अक्टूबर के लिए है जरूर यहाँ पर टिकी हुई है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ में घमासान जरूर है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा व सचिव राजीव मेहता दोनों आमने सामने हैं। 9 अक्टूबर की कार्यकारिणी मीटिंग में 22 एजेंडे हैं और अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन का भी एजेंडा इसमें शामिल किया गया है। दरअसल दिसंबर में होने आईओए के चुनाव और इन चुनाव से पहले आईओए में खेमाबंदी भी शुरू हो चुकी है। अब 9 अक्टूबर की मीटिंग पर ही इन सभी की निगाहें टिकी हुई है और इसके बाद ही साफ हो पाएगी चुनाव की तस्वीर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक। केंद्र के निर्देश अनुसार 1 जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की चीजों पर पूरी तरह से रोक होगी। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक जैसे उत्पादों पर रोक रहेगी। फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कैटलरी पर बैन लगना भी प्रस्तावित है। कांटे, चम्मच, रैपिंग, पैकिंग, फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट जैसे प्लास्टिक पर बैन लगाना प्रस्तावित है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर ही इसे लेकर पूरी तैयारी यहां पर चल रही है और ये बदलाव भी देखने को मिलेगा, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। केंद्र के निर्देश के अनुसार ही 1 जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की चीजों पर रोक होगी। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे, कैंडी स्टिक जैसे उत्पाद इसमें शामिल होंगे, जिसमें 1 जनवरी 2022 से रोक रहेगी और उसके बाद 1 जुलाई 2022 से भी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी पर बैन लगना भी प्रस्तावित है। कांटे, चम्मच, रैपिंग, पैकिंग, फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट जैसे प्लास्टिक पर भी बैन लगाना यहां पर प्रस्तावित है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर ही इसे लेकर पूरी तैयारी चल रही है। प्रदेश में गहराया जल संकट। बीसलपुर बांध से जलापूर्ति में होगी 40% कटौती। जयपुर अजमेर को मिलेगा 15-15% कम पानी। टोंक को सप्लाई होने वाले पानी में 10% की कटौती होगी। मॉनसून की सुस्ती से इस बार पानी की भी आवक कम हुई है। अच्छी बारिश, आवक ठीक होने पर कटौती का रिव्यू यहां पर किया जाएगा। तो प्रदेश में गहराया हुआ जल संकट साफ नजर आता है, क्योंकि बीसलपुर बांध से भी जलापूर्ति में अब 40% की कटौती होगी। जयपुर अजमेर को 15-15% कम पानी मिलेगा। टोंक को सप्लाई होने वाले पानी में भी कटौती की गई है। टोंक को सप्लाई जो होने वाला पानी उसमें 10% की कटौती रहेगी। मानसून की सुस्ती से ही इस बार पानी की आवक भी कम हुई और अच्छी बारिश, आवक ठीक होने पर कटौती पर वापस रिव्यू होगा। उच्च शिक्षा ढलान पर 6 साल में 50% गिरा है स्तर। 2016 में 7 संस्थान शामिल थे और अब 3 पर ही सिमटे हैं। प्रदेश का एक ही सरकारी संस्थान, ऐसे में निजी विश्वविद्यालय काबिज हुए हैं। रैंकिंग के जो पैरामीटर हैं वही खामियां हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में शिक्षक नहीं है, रिसर्च की स्थिति डब्बा गोल है, वही रोजगार पर काम नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी जगह नहीं बना पा रही है। लचर हालात के चलते सरकारी संस्थान रैंकिंग में जगह नहीं बना पा रहे हैं, वही निजी संस्थान रैंकिंग में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यानी निजी संस्थानों की संख्या पर बढ़ रही है जो रैंकिंग में अपनी जगह बना रहे हैं, वही सरकारी संस्थान यहाँ पिछड़ रहे हैं। उच्च शिक्षा ढलान पर है ये साफ नजर आता है, जहाँ 6 साल में 50% स्तर गिरा है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अचानक कैसे बदला आज गुजरात का राजनीतिक घटनाक्रम। 26 दिसंबर 2017 को रूपाणी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। गुजरात में भाजपा ने 182 में से 99 सीटें जीतकर ये बहुमत हासिल किया था। बहुमत के बाद रूपाणी को चुना गया था विधायक दल का नेता। दोनों कार्यकाल मिलाकर सीएम के तौर पर अगस्त में ही रूपाणी ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। 2016 में तत्कालीन सीएम आनंदी पटेल ने इस्तीफा दिया था। आनंदी पटेल के इस्तीफे के बाद ही 7 अगस्त 2016 को रूपाणी सीएम बने थे, लेकिन आज अचानक विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। गुरुवार रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे थे। शाह का एक दिवसीय अहमदाबाद दौरा बताया जा रहा था पारिवारिक, लेकिन संभवतः विजय रूपाणी के इस्तीफे पर भी इस दौरान कोई बातचीत हुई है। बीएल संतोष और भूपेंद्र यादव भी गांधीनगर में ही है। संगठन पदाधिकारियों के साथ संतोष ने बंद कमरे में मंत्रणा की और इसके बाद दोपहर लगभग 2 बजे राजभवन पहुंचे थे विजय रूपाणी। रूपाणी के साथ मौजूद रहे नितिन पटेल, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा भी। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। अब आज रात या कल होगी गुजरात भाजपा विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को अहमदाबाद पहुंचने का यहां पर मैसेज गया है। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। गृहमंत्री अमित शाह भी आज रात अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। तय माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा, चुनाव से 1 साल पहले अचानक दिया इस्तीफा।
गुजरात राजभवन पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा सौंपा। 3 घंटे पहले ही मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे रूपाणी। सुबह 11 बजे वीसी में हुए शामिल और 3 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अहमदाबाद में मोदी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था। करीब 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में जुड़े थे रूपाणी भी। रूपाणी के अचानक इस्तीफे की खबर ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि ऐसा अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन अचानक आज इस तरह से इस्तीफा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि सुबह 11 बजे वीसी में शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री के साथ बेहद अहम कार्यक्रम था और 3 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अहमदाबाद में मोदी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था, जिसमें रूपाणी की भी मौजूदगी थी। वो भी जुड़े कार्यक्रम से और करीब 1 घंटे तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे रूपाणी भी, और अचानक इस्तीफे की खबर ने सभी को चौंका दिया। अब बेहद अहम सवाल, कौन होगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री? विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। अब जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, नए सीएम की रेस में कुल 5 नाम सामने हैं। मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, सीआर पाटिल और गोवर्धन जड़ाफिया के नाम यहां पर सबसे आगे चल रहे हैं। इस रेस में 5 लोगों के नाम है, लेकिन फिलहाल दौड़ में सबसे आगे पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया है। हालांकि नए सीएम के नाम पर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। आज रात या कल होगी गुजरात भाजपा विधायक दल की बैठक। बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 5 नाम है जो रेस में बताए जा रहे हैं। सीएम की रेस में कुल ये 5 नाम, जिनमें मनसुख मांडविया है, पुरुषोत्तम रूपाला है, नितिन पटेल का नाम है, सीआर पाटिल और गोवर्धन जड़ाफिया का नाम भी शामिल है, लेकिन फिलहाल दौड़ में सबसे आगे पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया का नाम है। लगभग 2 महीने में भाजपा की हैट्रिक। पिछले 2 महीने में भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कर्नाटक, उत्तराखंड और आज गुजरात में सीएम के पद से इस्तीफा दिया है। जुलाई माह में सबसे पहले तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। तीरथ सिंह रावत के बाद जुलाई में ही हुआ येदियुरप्पा का भी इस्तीफा और आज विजय रूपाणी ने भी सीएम पद से इस्तीफा दिया। इन 2 महीनों में सीएम पद से इस्तीफा देने वाले रूपाणी भाजपा के 3रे सीएम है। तो 2 महीने के अंदर भाजपा शासित राज्यों में 3रे मुख्यमंत्री है रूपाणी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। लगभग 2 महीने में भाजपा की हैट्रिक है। अगर पिछले 2 महीने में नजर डाला जाए तो 3 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कर्नाटक, उत्तराखंड और गुजरात के सीएम ने यहाँ पर इस्तीफा दिया। जुलाई माह में सबसे पहले तीरथ सिंह रावत ने दिया, उसके बाद जुलाई में येदियुरप्पा का इस्तीफा हुआ और आज विजय रूपाणी ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल सियासी महादंगल में शेखावाटी के सूरमा सीएम ममता बनर्जी को टक्कर देंगी प्रियंका टिबरेवाल। झुंझुनू के मंडरेला मूल के प्रवासी आदित्य की बहू है प्रियंका। प्रियंका को भवानीपुर के उपचुनाव में भाजपा ने मैदान में उतारा है और पहले भी बंगाल के 39 सीट से चुनाव लड़ चुकी है प्रियंका, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी प्रियंका टिबरेवाल। पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बंगाल की तेज तर्रार बीजेपी नेत्री के रूप में प्रियंका की पहचान है। प्रियंका के पति आदित्य टिबरेवाल सीए हैं। 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी प्रियंका टिबरेवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी थी प्रियंका। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा और प्रियंका टिबरेवाल बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, जो कि ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देंगे। राज्यों के सीमा पर चेक पोस्ट हटाने के निर्देश, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को इसे लेकर पत्र लिखा है। राजस्थान समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्य परिवहन सचिव को ये पत्र भेजा गया। स्टेट बॉर्डर्स पर ऑनलाइन दस्तावेज चेक करने के इन्हें निर्देश दिए गए हैं। सभी को पत्र भेजा गया। तो राज्यों की सीमा पर चेक पोस्ट हटाने का यह निर्देश है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को इसे लेकर पत्र लिखा है। राजस्थान समेत दूसरे राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, गोवा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्य परिवहन सचिव को ये पत्र भेजा गया है। पंजाब चुनाव में कमाई करने के लिए कंपनियों की कतार, बड़ी कंपनियों से लेकर नए स्टार्टअप्स तक इनमें शामिल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को हटाकर पोते को रखा है। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी सेवाएं ले रहे हैं, माइंडशेयर्स एनालिटिक्स की सेवाएं ले रहे हैं सुखबीर सिंह बादल। पंजाब में कई नेता अलग अलग कंपनियों की सेवाएं यहां पर ले रहे हैं, तो ये साफ नजर आता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर को हटाकर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पोते को रखा है, बड़ी कंपनियों से लेकर नए स्टार्टअप्स तक इसमें शामिल किए गए हैं। पंजाब चुनाव में कमाई करने के लिए कंपनियों की कतार साफ नजर आती है, जहां बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी सेवाएं ले रहे हैं, माइंडशेयर्स एनालिटिक्स की सेवाएं ले रहे हैं सुखबीर सिंह बादल।
रामपुर में जौहर ट्रस्ट की 70 हेक्टेयर पर सरकार का कब्जा है। रामपुर जिला प्रशासन ने 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर जमीन थी। जौहर ट्रस्ट ने 2005 में मामूली कीमत में इस जमीन को खरीदा था। हाईकोर्ट के आदेश पर 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ। जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं सपा नेता आजम खान। तो विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर जमीन थी, ये मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन थी। रामपुर जिला प्रशासन ने 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। जौहर ट्रस्ट ने 2005 में ही मामूली कीमत में इस जमीन को खरीदा था। हाईकोर्ट के आदेश पर 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जर्मन हैंगर, वाटरप्रूफ बैठक व्यवस्था है। पंडाल में करीब 1 लाख लोगों के लिए होगी बैठने की व्यवस्था। पंडाल में लगेंगे 500 कूलर और 30 एलईडी टीवी। 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी का स्वागत करेंगे। 19 सितंबर को पूरे होंगे योगी सरकार के 4.5 साल और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम होगा। भाजपा ने मतदान केंद्रों के आधार पर शक्ति केंद्र बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार होगा। 20 सितंबर को अपने क्षेत्रों में सभी भाजपा विधायक रहेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भाजपा स्वच्छता अभियान चलाएगी। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।